Good morning, students. How are you? I hope so you all are fine today at your home. This is class 7th subject English and chapter 13 the examinations. So last videos में मैंने आपको one page पूरा explain कर दिया था, तो अब आज हम next page से reading start करेंगे और आज हम next paragraph को read करेंगे और उसको उसका explanation समझेंगे. तो kids, open your all books and open your chapter 13 and look into your books, page number 81. I am reading now and just focus on it. So Sardar Sujan Singh made due arrangements for the stay of these gentlemen. These candidates passed their time sitting in their rooms. Each one tried to show his life in the best light as he could think. Mr. A was habituated of sleeping till 9 o'clock in the morning, but these days he would see the rising sun taking a stroll in the garden, and Mr. B was given to smoking Hubble Bubble, but these days he would smoke cigar in the closed dark room. So this is a paragraph. So now look into the difficult words. Okay. So the first difficult word is stroll. Stroll means होता है आप कहीं चहल कदमी करना या आप हल्की फुल्की वॉक करना, उसको बोलते हैं स्ट्रोल. और हबल बबल मीन्स क्या होता है? हबल बबल मीन्स होता है हुक्का. हुक्का होता है हबल बबल. सो नाउ लुक इनटू एक्सप्लेनेशन. इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझते हैं. ओके. सो सरदार सुजन सिंह ने सभी जेंटलमैन, जो जितने भी जेंटलमैन देवगढ़ में पहुंचे थे, उन सभी सज्जनों का अरेंजमेंट जो उनका बचा था, उनके रुकने का इंतजाम किया, उनके रुकने के लिए इंतजाम किया सरदार सुजन सिंह ने, उनको रुकवाया ठहराया. और जितने भी ये कैंडिडेट्स थे, जितने भी जो लोग देवगढ़ में उस टेस्ट को एग्जामिनेशन को देने आए थे, वो सभी लोग एक कमरे में बैठ के अपने अपने कमरे में बैठकर टाइम को गुजार रहे थे. उसमें से हर एक ट्राई कर रहा था अपने जीवन को बहुत बेहतर दिखाने के लिए जितना वो पॉसिबल था, जितना अपने लाइफ को वो बेहतर तरीके से दिखा सकता था, अपने आप में अच्छा बनकर दिखा रहा था. ओके. तो हर कोई, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स पहुंचे थे देवगढ़ में, अपने अपने रूम में, सब अपने आप को बेहतर दिखा रहे थे, बेहतर बन के दिखा रहे थे, अच्छा बन के अपने जीवन को, क्योंकि हम भाई इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से जीते अपनी लाइफ, तो ऐसा वो अपने आप को दिखा रहे थे बनके. तो उसमें एक मिस्टर ए थे. मिस्टर ए जो थे वो बहुत ज्यादा आदी हो गए थे, मतलब उनकी एक हैबिट सी हो गई थी मिस्टर ए की, जो अब मॉर्निंग में 9 बजे उठते थे सोकर. तो मिस्टर ए मॉर्निंग में 9 बजे सोकर उठते थे, उनकी हैबिट हो गई थी. लेकिन इन दिनों वो जल्दी उठ जाते थे, सूरज उगने से पहले, और सूरज उगने के टाइम वो वॉक किया करते थे. तो ऐसा वो शो करा रहे थे अपने आप को, भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो देखो जल्दी मॉर्निंग में उठ जाता हूं और वॉकिंग पर जाता हूं. फिर मिस्टर बी को क्या था पीना? मिस्टर बी अपने पहले हुक्का पीते थे जहां वो रहते होंगे मिस्टर बी, तो पहले हुक्का पीते थे. लेकिन अब वो देवगढ़ में पहुंचने के बाद अपने आप को इतना अच्छा दिखा रहे, इतना बेहतर बन के दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैं तो सिगार पीता हूं. तो इन दिनों वो अब अपने अंधेरे वाले कमरे में बैठकर सिगार पीते थे. तो हर कोई अपने आप को बेहतर बन के दिखा रहा था देवगढ़ में पहुंचने के बाद. तो ये इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स. सो आई होप यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आप होमवर्क में इसको एक बार रिवाइज करें, इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करें और दोबारा समझने की कोशिश करें, रिवाइज करें, और नेक्स्ट पैराग्राफ आप घर पे रीड करें इसको. और नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा. सो किड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू.